आईपीएल के 3 खिलाड़ी की हालत हुई खराब। पाई पाई को हो गए मोहताज। कभी इन खिलाड़ियों पर होती थी पैसों की बरसात, आज भिखारी जैसे हो गए हालात। आईपीएल जिसका हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर के खिलाड़ी दिन रात सपना देखते हैं, वो चाहते हैं कि इस बड़े टूर्नामेंट के लिए उनका भी सिलेक्शन हो जाए और वो पूरी दुनिया के सामने अपना दमखम दिखाएं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग जो ठहरी। आईपीएल दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां खिलाड़ियों को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी पैसा पानी की तरह बहा देती हैं, जिसके बूते यंग प्लेयर्स भी रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। आईपीएल में खेलकर खिलाड़ी नाम पैसा दौलत शोहरत हासिल करते हैं। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट खिलाड़ियों की किस्मत तो संवारता ही है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इस टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद आज दर दर भटकने को मजबूर हैं। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक समय पर इस टूर्नामेंट की जान हुआ करते थे। इन खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की बारिश होती थी, लेकिन आज ये खिलाड़ी पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। आपको इन 3 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस बार आईपीएल 2024 का खिताब। आईपीएल ने बदली किस्मत। आईपीएल ने अपने 16 साल पूरे कर लिए हैं और अब 17वां सीजन खेला जाना है। आईपीएल की इस खूबसूरत जर्नी में हमें काफी बदलाव देखने को मिले हैं। हमने कई खिलाड़ी ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने आईपीएल में तूफानी प्रदर्शन के बाद अपने देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला। इन्हीं में से एक खिलाड़ी रहे शॉन मॉर्स। आईपीएल के पहले सीजन में शॉन मॉर्स ने अपने बल्ले का दमखम दिखाया और रनों का अंबार लगाया। पहले सीजन में शॉन मॉर्स ऑरेंज कैप विनर भी रहे। उन्होंने आईपीएल के पहले सीजन में किंग्स 11 पंजाब, जो कि अब पंजाब किंग्स के नाम से जानी जाती है, शॉन मॉर्स ने पंजाब की टीम के लिए खेलते हुए शतक भी जड़ा और सबसे ज्यादा 616 रन भी बनाए। शॉन मॉर्स के आईपीएल 2008 में प्रदर्शन की अगर बात करें तो उन्होंने 616 रन बनाए। उनका औसत रहा 68.44 का। वहीं स्ट्राइक रेट की बात करें तो 139.68 का रहा और उनका बेस्ट 115 का रहा। शॉन मॉर्स के इस तूफानी प्रदर्शन को देखने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी जगह मिली थी। हालांकि उनका इंटरनेशनल करियर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन आईपीएल में 1-2 सीजन धूम मचाने के बाद ये खिलाड़ी आईपीएल का भी हिस्सा नहीं रहा। आज ये खिलाड़ी आईपीएल की किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। तिलक रत्ने दिलशान। इस लिस्ट में दूसरा नाम है श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज तिलक रत्ने दिलशान का, जिन्होंने आईपीएल में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से फैंस को दीवाना बनाया। दिलशान की एंट्री साल 2008 में हुई। उन्होंने अपना पहला सीजन दिल्ली के लिए खेला। आईपीएल में दिलशान ने दिल्ली और बैंगलोर के लिए कुल 52 मैचों में 114.40 के स्ट्राइक रेट से 1153 रन बनाए। बता दें कि दिलशान को इंडियन टी20 लीग के हाई फ्लायर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने $6,50,000 में खरीदा था। दिलशान आखिरी बार 2013 में आईपीएल में नजर आए थे, उसके बाद ही उनके बुरे दिन शुरू हो गए और आज वो एक एक पाई को तरस रहे हैं। कोरी एंडरसन। कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड के विस्फोटक ऑलराउंडरों में से एक है। उन्होंने अपनी गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी से कीवी टीम को काफी मैच जिताए हैं। कोरी एंडरसन पहली बार आईपीएल 2014 में खेले थे और आखिरी बार वह इस लीग में 2018 में दिखाई दिए थे। उसके बाद करीब 6 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने कभी इस लीग की ओर मुड़कर नहीं देखा। बता दें कि कोरी एंडरसन ने आईपीएल में 30 मैच खेले और जिसमें 538 रन बनाए। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 95 का रहा। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी देखने को मिले। हालांकि इस आईपीएल की कोई भी टीम उनके नाम पर बोली नहीं लगाती है और अब एंडरसन के हालात भी काफी खराब हैं। यह खिलाड़ी भी एक एक पाई का मोहताज हो गया है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आईपीएल से बाहर होने के बाद इन 3 खिलाड़ियों की किस्मत बदल गई और आज ये पाई पाई के लिए तरस रहे हैं। हालांकि आईपीएल ने बहुत सारे खिलाड़ियों की किस्मत भी बदली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपकी बार कौन सी टीम बनेगी आईपीएल 2024 की चैंपियन? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।